फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के बैनर तले स्थानीय बेरोजगार होटल व्यवसाय के सीख रहे हैं गुर। उच्च कोटि की नौकरी मिलने की पूरी है संभावना। रीवा शहर में इन दिनों व्यवसायिक ट्रेनिंगों की बहार है, जिसमें ट्रेनिंग लेकर युवा अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित फूड एंड क्राफ्ट के नाम से संचालित होटल व्यवसाय का। यहां पर वर्तमान में दूसरा बैच संचालित है, जिसमें 30 बच्चे भाग लेकर 5 विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर पहले बैच में महज 14 बच्चे थे। इस बारे में हमने FCI के प्राचार्य से बात की। FCI में पढ़ रहे बच्चों से बातचीत में उनकी आंखों में सुनहरे सपने तैरते दिखे। उनका मानना है होटल व्यवसाय आज की तारीख में सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। इस व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने का सीधा सा अर्थ है छोटे होटल से लेकर 5-स्टार होटल में जॉब की गारंटी। ने इस ओर लोगों का रुझान बढ़ाया है। इस संस्थान में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से भी हमने बात की। निश्चित रूप से फूड एंड क्राफ्ट में ट्रेनिंग बेहतर भविष्य की शुरुआत कही जा सकती है। प्लेट रखने का टेबल है, आप देख सकते हैं कि इसमें कभी भी मेरे रिंग के अंदर यानी हाथ नहीं लगा। इसके नीचे प्लेट है, इधर आता है, सेम गैस पे पानी भर रहे थे, ठीक है ना, वाटर पोरिंग कर, बस मोबाइलाइज कर, वेरी गुड। मेरे जो बैठे हैं माइक का सर, इट इज पेपर बाय कुकिंग वेजिटेबल हीट द पैन एड बटर। ठीक है, किस तरीके की ट्रेनिंग आप ले रहे हो? सर यहाँ पे हम हर तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं रिलेटेड टू किचन डिपार्टमेंट, और हम किचन से रिलेटेड जो भी डिशेज होती हैं तथा उनके फॉरेन भी कुछ डिशेज हैं उनके बारे में भी सब सीख रहे हैं। और किसी भी ऐसा कहा जाता है कि किसी भी होटल का बिजनेस किचन पे डिफरेंट मतलब निर्भर होता है, और 50% जो रेवेन्यू होती है वो किचन से प्राप्त होती है। क्या नाम आपका? प्रवेश तिवारी। मायसेल्फ मुशर्रत अशरफ, आई एम फ्रॉम डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, आई एम स्टूडेंट ऑफ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रंट ऑफिस द मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल, द डिपार्टमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द गेस्ट एंड द डिपार्टमेंट विच इज़ कोऑर्डिनेट टू ऑल माइनर एंड मेजर डिपार्टमेंट लाइक FNB, housekeeping, laundry, everything come under to front office department. Thank you. मेरा नाम रैनी तिवारी है, मैं डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस की स्टूडेंट हूँ। होटल में जो गेस्ट आते हैं हम उनको ये कोशिश करते हैं, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि उनको हम होटल में घर जैसा ही फील कराएं। और हमारे इंस्टीट्यूट में हम आके यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का हमने बहुत अच्छा लेसन सीखा है अपने लाइफ के लिए। मायसेल्फ निधि सोनी, स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो होटल की नाक और कान होती है, इसके बिना होटल नहीं चल सकता है, और वो सभी से कनेक्टेड होता है, चाहे वो फूड प्रोडक्शन हो चाहे हाउसकीपिंग हो, ये सभी से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्री थिंग्स होती हैं फ्रंट ऑफिस में। ठीक, मेरा नाम जयदीप सिंह है, मैं FNB डिपार्टमेंट से हूँ। हम अपने डिपार्टमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं,
जो हम सारे डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं और जो भी लोग आते हैं उनको हम लोग सारी व्यवस्थाएँ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि खाने पीने और स्टेइंग सारी चीज़ें। सिर्फ लाभ लेकर काम नहीं चलेगा, सिर्फ लाभ के साथ अपने आप को भी उसमें लेना है, इसका हम लाभ लेना है और सब मिलकर हम एक प्रण लें कि पर्यटन को आगे बढ़ाए और साथ में स्वयं का सारे बच्चे आगे आप आगे चले जाओ। आपके यहाँ क्या कोर्स चलता है, कितने तरीके का कोर्स चलता है, किस तरीके से इसका संचालन और कब से हो रहा है, पूरी बात हमको बताएं। नमस्कार। पर्यटन जैसे बढ़ रहा है, इस पर्यटन बढ़ते पर्यटन में आवश्यक होता है कि मैन पावर, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है और सफलतापूर्वक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जो मैन पावर है, जो आवश्यक संसाधन है, ये संसाधनों का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अब इसी को मद्देनज़र स्थानीय युवाओं को और प्रदेश के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो सके, इस आशा से मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम है जो मध्य प्रदेश पर्यटन के माध्यम से चलाया जाता है। यह संस्थान फ्रूटक्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा 2012 का रजिस्टर्ड संस्थान है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में किया था और ये उपक्रम शासन का अपना स्वयं का उपक्रम है। हम इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, विंध्य क्षेत्र के युवकों को और अल्पशिक्षित जो बेरोजगार बैठा है उनको विभिन्न तरह के कोर्सेज चलाते हैं। हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है डिप्लोमा कोर्स जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट नोएडा से एफिलेटेड है। नेशनल काउंसिल प्रदेश की एक देश की एक अग्रणी संस्थान है जो कि होटल मैनेजमेंट का एजुकेशन रेगुलेट करती है। हमारा एकेडमिक एफिलिएशन उनके साथ है। इनके साथ मिलते हुए हम 5 स्ट्रीम्स में, 5 अलग अलग विभागों में 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं। वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस जो वेटर्स का कोर्स कहा जाता है, फूड प्रोडक्शन जो शेफ्स का कोर्स कहा जाता है, हाउस कीपिंग जो इंटीरियर और रूम के डेकोरेशन का कोर्स कहा जाता है, और इसके साथ ही बेकरी एंड कन्फेक्शनरी जो केक्स आइसिंग इसका कोर्स कहा जाता है। अब मेहमान नवाजी का भी एक डिप्लोमा है जिसे हम डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस कहा जाएगा, ये भी हमारे पास है। ऐसे कुल मिलाकर 5 डिप्लोमा के कोर्सेज चलाते हैं। इसी के साथ ही हम कुछ और भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की योजना हुनर से रोज़गार अंतर्गत भी कोर्सेज चलाते हैं जिसका कार्यकाल कुल मिलाकर 4 माह से लेकर 5 माह है। जो अल्पशिक्षित हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए छोटे से अंतराल में प्रशिक्षित करते हुए हम उसे रोजगार के लायक बनाते हैं। आपके यहाँ जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको किस तरीके के होटलों में रोजगार मिलता है? यहाँ से छोटे अंतराल में पढ़ा हुआ और 1.5 साल का डिप्लोमा करके यहाँ से निकला हुआ लड़का भी प्रदेश के बाहर देश में विभिन्न होटलों में काम कर रहा है, उसे तो बाहर भी जाने के चांसेस उपलब्ध। जितनी भी पर्यटन की संस्थाएं हो, चाहे फिर वो एयरलाइंस हो, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो, चाहे वो होटल्स हो, कहीं शॉप्स हो, जितनी भी पर्यटन रिलेटेड सेवाएं हैं उसमें वो एक सक्षम बन जाता है और होटल्स में हम उसे भेज देते हैं और शत प्रतिशत नौकरी की हम उसे देते हैं। FCI फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा, हम इस समय मौजूद हैं रीवा के FCI में। यहाँ पर जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, FCI का दूसरा बैच यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है। 5 विधाओं में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग को करने के बाद देश नहीं विदेश 5-7 स्टार होटलों में भी इनको काम आसानी से मिल जाता है। किसी ज़माने में इस काम को
ये कहा जाता था कि ये दुनिया का सबसे बेकार काम है, लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कुछ बच्चों ने हमने बातचीत की, उनके बातचीत का तौर तरीका, नज़रिया, हिंदी इंग्लिश जैसी तमाम भाषाओं पर उनकी बातचीत, उनकी पकड़, ये दर्शाती है इस विधा में भी अब एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है। 14 बच्चों से यह बैच स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 30, तीसरा बैच निकट भविष्य में चालू होने वाला है। अब यह देखना है कि इस इंस्टीट्यूट में तीसरे बैच में कितने बच्चे आते हैं। हम इस इंस्टीट्यूट में बहुत जल्दी दोबारा भी आएंगे और यहाँ पर बनने वाली सामग्रियों को हम आप तक पहुँचाएंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। मनोरंजन के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल रीवा दर्शन। नमस्कार।